मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में आज आप पिछले क्लास में आप लोगों ने छोटी उ की मात्रा पढ़ा था और उससे संबंधित अभ्यास करेंगे। तो ये बुक है, उसमें सबसे पहले क्लास वर्क डालिए, फिर डेट डालिए, फिर देखिए यह है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। चित्र पहचानना है और उनके नाम लिखना है। तो देखिए बेटा, ये फिगर किस चीज़ का है? कुटिया। तो कैसे लिखाएगा? का में छोटा उ की मात्रा, टा में छोटी ई की मात्रा, और या पर आ की मात्रा। ये हो गया कुटिया। अब ये है चूहिया। किस चीज़ का फिगर है? चूहिया। तो चा पे छोटा उ की मात्रा, हा पे छोटी ई की मात्रा, और या पर आ की मात्रा, चूहिया। ये हो गया। अब ये देखिए किस चीज़ का चित्र है? कछुआ। तो कैसे लिखेंगे? का छपे छोटा उ की मात्रा, आ पर आ की मात्रा, कछुआ। अब ये किस चीज़ का फिगर है? गुलाब। तो गा पे छोटा उ की मात्रा, ला पर आ की मात्रा, और ब। ये हो गया गुलाब। ये हो गया कुटिया, चुहिया, कछुआ, गुलाब। अब ये है दूसरा आपका खा। कोष्ठक में से सही शब्द छाट कर खाली स्थान भरो। ये जो इधर दिया हुआ है, इसी में से एक जो है सही, उसी को इसमें भरना है। तो देखिए ये है, क्या लिखा हुआ है? सगुन से मल कर नहा। सगुन डैश से मल कर नहा। कैसे नहा? साबुन या दातुन। तो सगुन कैसे नहाएगी? साबुन से मल कर नहाएगी। तो यहाँ से ये वाला साबुन देखकर यहाँ पे लिखना है। सा पे आ की मात्रा, ब में छोटा उ की मात्रा, और न। ये हो गया साबुन। सगुन साबुन से मलकर नहा। नेक्स्ट है आपका मुनी। मुनी की पर जा। मुनी की कहाँ जा? कुटिया पर जा। यहाँ देखिए घर या कुटिया, तो क्या होता है मुनी लोग का? कुटिया। यहाँ से कुटिया देखकर लिखना है, कुटिया। तो यहाँ पे का कपे छोट उ की मात्रा, टाटा में छोटी की मात्रा, या पे आ की मात्रा, कुटिया। ये हो गया कुटिया। नेक्स्ट है आपका कुसुम। कुसुम भर कर लाई। कुसुम क्या भर कर लाई? सुराही या जामुन। तो कुसुम क्या भर के लाएगी? सुराही। तो ये सुराही को यहाँ पे लिखना है। सा पे छोटा उ की मात्रा, रा पे आ की मात्रा, हा पे बड़ी की मात्रा, सुराही। ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ग छोटा उ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाओ। अब ये देखिए वो जो शब्द दिए हुए हैं, इसमें छोटा उ की मात्रा जहाँ पे लगेगा वहाँ पे हम लोग को लगाना है। यह है प अल। प में छोटा उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? उ ल। अल्लाह में लगाएंगे छोटा उ की मात्रा तो क्या बन जाएगा? पलू। तो क्या कहाँ लगेगा? प पे छोटा उ की मात्रा लगा के प में छोटा उ की मात्रा और ल हो जाएगा पुल। अब इसी तरह से ब अना। ब में छोटा उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? बू न, बुन। अब खा है अशा, खस। तो खा में खुश स, ये क्या बन जाएगा? खुश। तो खा में छोटा उ की मात्रा खु स, ये हो गया खुश। अब इधर है सा ब न, ये क्या बनेगा? सा उ न। यहाँ पे कैसे लिखेंगे? स पे आ की मात्रा, ब पे छोटा उ की मात्रा लगाएंगे और ये बन जाएगा साबुन। फिर ये है पड़िया। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे प में छोटा उ की मात्रा लगाएंगे तो पुड़िया। यहाँ पे प में छोटा उ की मात्रा, अड़ा छोटी की मात्रा, या हो गया पुड़िया। अब ये है माधर। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लगाएंगे छोटी उ की मात्रा? देखिए माँ में लगाएंगे तो मुधर हो जाएगा, तो कहाँ लगेगा? धा में, मधुर। तो यहाँ पे धा में छोटा उ की मात्रा तो क्या बन जाएगा? मधुर। अब ये है पदीना। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ छोटी की मात्रा लगाएंगे? पा में। पा में छोटा उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? पुदीना। तो कैसे लिखेंगे? पा में छोटा उ की मात्रा, द पे छोटी बड़ी की मात्रा, ना पे आ की मात्रा, ये हो गया पुदीना। अब यह है फुटबॉल। ये क्या बनेगा? फुटबॉल। तो फा में
ख में छोटा उ की मात्रा, ट ब पे आ की मात्रा, ल ये ऊपर चंद्रबिंदु है। यह चु च ल बल, अब इसमें कहाँ मात्रा लगेगा, च में भी लगेगा और ब में भी लगेगा, तो क्या बन जाएगा, चु ल बु ल चुलबुल। देखिए कैसे, च च में उ छोटा उ की मात्रा, ल ब में छोटा उ की मात्रा और ल चुलबुल, ये हो गया चुलबुल। अब आपका नेक्स्ट है चित्र देखकर वाक्य पूरी करो। अब ये जो चित्र है इसको देखकर यहाँ पे इसको उसका नाम लिखना है, यानी कि चित्र देख कर इसको वाक्य को पूरा करना है। तो ये किस चीज़ का चित्र है, बुल बुल। ये किस चीज़ का चित्र है, बुल बुल। यहाँ पे क्या लिखना है, बुल बुल। बा पे छोटा होगी मात्रा, बू ला बू ल बुल बुल, मधुर मधुर गीत गा रही थी, बुलबुल मधुर गीत गा रही थी। अब आपका नेक्स्ट है राहुल, राहुल। ये किस चीज़ का फिगर है, धनुष। तो यहाँ पे क्या लिखा है, धनुष उधर रख, राहुल धनुष उधर रख। तो कैसे लिखेंगे धनुष, धा ना ना पे छोटा उ की मात्रा, खटकोण वाला सा, ये हो गया धनुष उधर रख। नेक्स्ट है आपका ऋतु का, ये किस चीज़ का फिगर है, बटुआ। बटुआ गुम गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है, बटुआ। बा ट में छोटा उ की मात्रा, आ पे आ की मात्रा, बटुआ। ये हो गया आपका, ये आपको बुक में इसी तरह से फिल करना है। तो आइए अब देखिए कॉपी में करते हैं, सी डब्ल्यू डालेंगे, क्लास वर्क डालेंगे, डेट डालेंगे। और ये आपका क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। तो ये फिगर है किस चीज़ का, चूहिया। यहाँ क्या लिखेंगे, चा चपे छोटू की मात्रा, हा आपे छोटा ई की मात्रा, या पे आ की मात्रा, चूहिया चूहिया। अब ये है क्या, कुटिया। बेटा देखिए फिगर मुझसे बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, सॉरी। तो क्या है ये, का पे छोटा ऊ की मात्रा, टा पे छोटी ई की मात्रा, या ये हो गया कुटिया। अब एक आपका नेक्स्ट है, कोष्टक में से सही शब्द छांट कर भरना। तो क्या है, सगुन, डैश से मलकर नहा। तो किससे मलकर नहा, साबुन। साबुन तो यहाँ पे सपे आ की मात्रा, बा पे छोटा उ की मात्रा, वो साबुन से मलकर नहा। नेक्स्ट है आपका मुनी, मुनी की कहाँ जा, घर जा कि कुटिया जा, कुटिया जा, तो यहाँ से कुटिया। का पे छोटा उ की मात्रा, कु टा पे छोटी की मात्रा, टी या कुटिया पर जा। अब यह है कुसुम, कुसुम सुराही भर कर लाई। यहाँ पर क्या लिखना है, सु रपया की मात्रा, हापे बड़ी की मात्रा, सुराही भर कर लाई। अब यह है आपका नेक्स्ट, ओ की मात्रा लगा कर सही शब्द बनाना है। तो देखिए जो ये ब्लैक कलर के पेन से लिखा हुआ है उस पर छोटा उ की मात्रा लगेगा। तो पा है, पा पे छोटा उ की मात्रा लगा के क्या लिखेंगे, पू और ये ल, पुल। खा पे छोटा उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, खू और श, खुश। अब ये मा, अब ये धा है, धा पे छोटा उ की मात्रा लगाएंगे और ये र, तो क्या बनेगा, मधुर। अब ये है पा, पा में छोटा उ की मात्रा लगाना है, ऊ द पे बड़ी की मात्रा, ना ना पे आ की मात्रा, पुदीना। अब ये नेक्स्ट है आपका स पे आ की मात्रा, ब में लगाना है छोटू की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, ब में ना, साबुन। अब ये है आपका च में छोटा ऊ की मात्रा लगाना है, चू ल, फिर ब में छोटा ऊ की मात्रा, वो ल चुलबुल। ये हो गया, ये हो गया आपकी कॉपी में। आप इसी तरह से अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ओके, थैंक यू।